नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। संभल के चौड़ा कम्हो थाना इलाके के गांव में घरेलू कलह के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल पति ने थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और पुलिस के सामने पत्नी की हत्या करके थाने आने की जानकारी दी। बस्ती जिले के नगर थाना की पुलिस ने बच्चा चोर गैंग के 3 सदस्यों को अरेस्ट किया है। उनके पास से 5 साल के चोरी कर ले जा रहे बच्चे को पुलिस ने सकुशल ढूंढ निकाला। बरामद बच्चों को उनके परिजनों को दे दिया गया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के पलहा गांव का है। यहां के निवासी सुनीत कुमार के 5 साल के बेटे को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी और आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी। अचानक बच्चे ने शोर मचा दिया जिससे उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। शोर सुनकर ग्रामीण जुट गए और उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने बच्चों को लेकर जाने वाले बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बच्चों की चोरी की घटना का खुलासा हुआ है। विवादित बयानों को लेकर विवादों में रहने के आदि संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या कानून को लेकर अजब बयान दिया है। जनसंख्या कानून के सवाल पर एसपी सांसद ने कहा कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं अल्लाह से है। जनसंख्या कानून की जगह सरकार तालीम दे, जनसंख्या का मामला खुद हल हो जाएगा। 2024 के मद्देनजर सरकार आदमी के नजरिए को बदलना चाहती है। वहीं सांसद ने कहा कि पहले मुसलमानों को बेहद कम बताया जाता था, अब मुसलमानों को बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। जनसंख्या कानून पर शफीकुर रहमान बर्क ने यह बयान दिया है। फरुखाबाद में शराब के नशे में एक दर्जन दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया और 2 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक दर्जन दबंगों ने गाली गलौज का विरोध करने पर इन दबंगों ने घर में घुसकर पिता और उनके 2 बेटों सहित मां के साथ मारपिटाई की है। जान बचाकर पीड़ित घर से बाहर निकले। एक दर्जन दबंगों ने लाठी डंडों से युवक उसके परिजनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। दबंगों के हमले से पिता और युवक को कमालगंज सीएससी में भर्ती कराया गया क्योंकि वो घायल हो गए थे। दबंग आए दिन गाली गलौज करते हैं, विरोध करने पर मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव घर के बाहर पड़ा मिला। पड़ोसियों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पड़ोसियों की मदद से परिजन युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिंदवारी लेकर आए जहां देखते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला तिंदवारी थाना अंतर्गत तिंदवारी कस्बे के शंकर नगर का है। सोमवार देर रात बिहार से कोयला लादकर ला रहे ट्रक के भीषण गर्मी पड़ने से वायरिंग में आग लग गई। ट्रक में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला है। आग के लपटे देख थाना मूढ़ा पांडे पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ट्रक चालक ने बताया कि ट्रक में बिहार से कोयला लादकर मेरठ जा रहा था। वायरिंग में आग लगनी शुरू हो गई जिसके बाद ट्रक से उतर कर उसने पुलिस को बुलाया जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और ऐसे इस चालक की जान बच पाई। रायबरेली के थाना क्षेत्र बछरावा के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर कन्नावा गांव के पास रोडवेज बस की टक्कर से पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नावा गांव के पास एक दंपति किसी काम से बाइक पर जा रहे थे तभी सामने से आ रहे अज्ञात वाहन से, जो कि बस बताई जा रही है, इससे टक्कर लगने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंहपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ कुलहदा गांव निवासी सत्यम सिंह अपनी पत्नी प्रिया के बुलाने पर ससुराल गया था जहां ससुराल वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला का संतुलन बिगड़ गया। महिला का चलती ट्रेन से पैर फिसल गया। आरपीएफ पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से महिला की जान बची है। दौड़कर महिला को सकुशल बचाया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। चंदौसी रेलवे स्टेशन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
बिजनौर में हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पंचायत के अफसरों की पोल खोल दी है। बारिश का पानी स्कूलों, पुलिस चौकी और रामलीला मैदान में भर गया है। सड़कों पर 3-3 फीट पानी भर गया है, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सीएम के आदेश के बावजूद नगर पंचायत के अफसर नालों की सफाई नहीं करा रहे हैं। बिजनौर के झालू नगर पंचायत इलाके का ये पूरा मामला है। जालौन में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। दलित युवक की मौत पर परिजन का कहना है कि निर्मम तरीके से उसे पीटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सबूत मिटाने के लिए युवक के शव को गौशाला में लटका दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डकौर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदाबाद की पूरी घटना बताई जा रही है। गौना जिले में पुलिस विभाग में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस विभाग में तैनात एक सब इंस्पेक्टर अपना धर्म छिपाकर एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 सालों तक शारीरिक शोषण करता रहा। दारोगा द्वारा महिला से शादी से इनकार करने के बाद पीड़ित युवती न्याय के लिए दौड़ भाग कर रही है। महिला का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने में जुट गई है और महिला पर सुलह करने का दबाव बना रही है। पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर अपर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाने पहुंची, जहां पर उसे आश्वासन दिया गया है। नगर नरौता के शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद असल अली को जान से मारने की धमकी मिली है। मौलाना ने बताया कि दुलजहा के दिन खुतबे के दौरान शिया वक्फ और शिया इदारों में हुए घोटालों की बात को उजागर किए जाने से बौखलाए लोगों ने मौलाना को जान से मारने की धमकी दी। मौलाना ने थाना प्रभारी चंद्रशेखर सैनी को तहरीर देते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। बुलंदशहर में 209 प्रशिक्षणधीन रिक्रूट पीएससी आरक्षियों को पासिंग आउट परेड का दीक्षांत समारोह 2022 आयोजित हुआ। रिजर्व पुलिस लाइन बुलंदशहर में पीएससी आरक्षी पद का आधारभूत प्रशिक्षण किया गया। 209 रिक्रूट आरक्षियों द्वारा 6वीं वाहिनी पीएससी मेरठ से जनपद बुलंदशहर के रिजर्व पुलिस लाइन में आगमन किया गया है। सीएम योगी के जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सपा सांसद डॉक्टर बर्ग के बाद अब पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं मौजूदा विधायक इकबाल महमूद ने विवाद बयान दिया है। सीएम योगी स्वामी है, शादी भी नहीं हुई है, इसलिए इस तरह का बयान देकर देश और प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। सीएम योगी का निशाना सिर्फ मुस्लिम है, जनसंख्या बढ़ने के लिए मुस्लिम ही जिम्मेदार है, ऐसा गलत है। अन्य धर्म के लोग भी जिम्मेदार हैं। जनसंख्या नियंत्रण होना काफी जरूरी है, लेकिन सब कुछ तरीके से होना चाहिए। बीजेपी सभी चीजों को हिंदू मुस्लिम एंगल से देखती है। संभल विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक है इकबाल महमूद। बिजनौर रिजर्व पुलिस लाइन के मैदान में भारी बारिश के बीच दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डीएम उमेश मिश्र ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के रिजर्व पुलिस लाइन के मैदान में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मौसम खराब होने की वजह से भारी बारिश में भी दीक्षांत परेड समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उमेश मिश्रा मौजूद रहे। सीएससी फतेहाबाद वसूली का अड्डा बना है। फार्मासिस्ट का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। मेडिकल बनाने के नाम पर हजारों की घूस ली जा रही है। फार्मासिस्ट आर के तिवारी का रुख लेते वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रांसफर होने के बाद भी सीएससी में भ्रष्ट फार्मासिस्ट जमा है। सीएमओ के निरीक्षण के बाद भी ये नहीं सुधर रहे हैं, ना ही हालात सुधर रहे हैं। आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। सत्ताधारी विधायक के भतीजे निशांत कुशवाहा पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के आरोप लगे हैं। सत्ताधारी विधायक के रसूल का फायदा उठाकर युवती का जीना मुहाल कर दिया। मोबाइल पर अश्लील और भद्दे मैसेज भेजने का भी आरोप लग रहा है। पीड़िता ने थाना शाहगंज में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना शाहगंज क्षेत्र की पीड़िता रहने वाली है। कन्नौज के आश्रम में पूजा करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल में छापामार निरीक्षण किया। सीएम का काफिला जीटी रोड होते हुए टीटिया स्थित आश्रम जा रहा था, तभी उन्होंने रास्ते में जिला अस्पताल देख अचानक गाड़ियां उस ओर मुड़वा ली। डिप्टी सीएम के अचानक निरीक्षण से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया, जहां उन्होंने मरीजों से बातचीत की और हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया। यहां उन्होंने जमीन पर बैठकर मरीज बच्चों के तीमारदारों से बातचीत की। इस दौरान एक बीमार बच्चे देव को उन्होंने गोदी लेते हुए सीएमओ को उसका पूरा इलाज करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने बच्चे की रिपोर्ट लगातार देने के निर्देश भी स्वास्थ्य अफसरों को दिए हैं। वहीं
मीडिया प्रभारी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का काम कर रही है। बिजनौर में बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार युवक को रौंद दिया। साइकिल सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस जाम खुलवाने की कोशिशों में जुटी रही। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के नगीना रोड चक्कर चौराहे का एक पूरा मामला। अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एक आरोपी शिवम तिवारी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कोतवाली पुलिस और एसएसजी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुटी है। तो बाद में एसएसपी गारंटी बनाने पर एक अग्निपथ योजना वापसी समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मंडलायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।